हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कुक विद यश्वी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसाला टी। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला टी बनाना। सबसे पहले हम मसाले को टॉस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तुलसी लीव्स, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से बड़ी इलायची के दाने और थोड़ी सी हरी इलायची। इससे सारा मॉइस्चर जो इसका सूख जाए धीरे धीरे। एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लग गई है मसाला टॉस होने की। हम इसको टॉस करेंगे, हल्का सा। हमें इसको रोस्ट नहीं करना, हमें बस इसको टॉस करना है, टॉस, जिससे इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। अब मसाले को हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। सारा मसाला हमारा दरदरा पिस चुका है। अब हम चाय बनाने की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 4 कप चाय के लिए हम 2 कप पानी डालेंगे। अब इसको एक बॉईल आने तक उबलने देंगे। पानी में उबाल आ गया है हमारा। अब इसमें हम 2 टीस्पून चाय पत्ती डालेंगे। अब इसको उबलने देंगे 1 मिनट के लिए। अब चाय में हमारा धीरे धीरे उबाल आ रहा है। उबाल आ रहा है। जैसे कि चाय पत्ती अपना कलर छोड़ रही है, हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, घिसा हुआ अदरक डालेंगे। अब इसको हम एक बॉईल आने तक बॉईल करेंगे। चाय में बॉईल आ चुके हैं 2-3। अब इसमें हम अपना 2 कप दूध डाल देंगे। अब धीरे धीरे इसमें उबाल आ रहा है। आप चाय की बत्ती अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, धीरे धीरे हम इसके अंदर चाय का मसाला डाल देंगे। जैसे कि हमारी चाय में उबाल आ गया है, हम इसमें चाय का मसाला डाल देंगे। अब अपना चाय का मसाला आखिरी में ही डलता है, जिससे अगर हम ज्यादा देर तक चाय का मसाला उबालेंगे तो ये कड़वी भी हो जाती है, इसलिए हम आखिरी में ही डालते हैं और थोड़ा सा इसे बॉईल करते हैं। आप चाय का मसाला अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी खांड का यूज किया हुआ है। आप अपने अनुसार जैगरी पाउडर, शुगर डाल सकते हैं। हमारी चाय खदक चुकी है, बॉईल आ चुका है उसके अंदर। अब हम इसको छान लेंगे और सर्व करेंगे। हमारी चाय छन के तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ, चाय, नाश्ता, जो भी आपका पसंद की चीज है, आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।